तो आपने पहले वीडियो मैंने बनाया इसमें आपने देखा कि कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो एंड्रॉयड मोबाइल से। हम यहाँ पे कंट्रोल करने वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल से ये हमारा बल्ब को ऑन ऑफ कैसे करें। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करें वायरिंग कैसे करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे RDU यूनो बोर्ड का यहाँ से मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हो इसको पहले पिन डिस्कशन के लिए आप टेस्ट करेंगे। तो पहले देख सकते हो जैसे आउटपुट के लिए, जैसे एंड्रॉयड में आउटपुट के लिए यहाँ पे 13 नंबर की पिन यूज़ की हुई है, 13 नंबर है और यहाँ पे TX और RX लिखा हुआ है। तो इसका यहाँ पे होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो डेटा आप मोबाइल से ब्लूटूथ से के साथ कनेक्ट करते हो तो ब्लूटूथ का कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये हमारे AC मॉड्यूल है, जैसे AC मॉड्यूल को यहाँ से बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से सिग्नल देना है, सिग्नल देने के लिए यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन किया हुआ है। तो डिटेल में कनेक्शन देखेंगे तो पहले यहाँ पे ये हमारे AC रिले मॉड्यूल है AC को कंट्रोल करने के लिए। या पीछे यहाँ से देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर ओके तो यहाँ ये पिन हमारे ग्राउंड है, इसका IN1 और IN2 लिखा हो। तो IN1 IN2 का मतलब होता है, IN1 का मतलब होता है 1 नंबर के रिले ऑन करने के लिए, IN2 का मतलब होता है 2 नंबर के रिले ऑन करने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 नंबर के रिले ऑन किया हुआ है, इसलिए इस रिले का मैंने यूज़ किया हुआ है बल्ब को ऑन करने के लिए। यहाँ पर 3 टर्मिनल लिया हुआ है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और यहाँ पर कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन में लगा हुआ है, नॉर्मली ओपन में लगा दिया है दोनों में, यहाँ पर क्लोज में लगा नहीं दिया कनेक्शन, दिए दोनों कनेक्शन यहाँ पे मैंने किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे IN1 में कनेक्शन किया हुआ है। तो आप पीछे से देख सकते हो इसको ऑपरेट करने के लिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई मैंने दिया हुआ है, VCC लिखा हुआ है, ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई है, इसका ग्राउंड है और बीच IN1 हमारा इनपुट, जैसे इनपुट आ रहा है यहाँ से कि जैसे यहाँ पे RDU बोर्ड में से जो सप्लाई मैंने दिया हुआ है आउटपुट, जैसे यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया जाता है तो प्रोग्राम का जो कि आउटपुट मिलता है कहाँ पे लिया है मैंने, यहाँ पे रिले को ऑन करने के लिए। इसके साथ साथ इसका तो आपको पता चल गया, और इसके साथ ये दोनों टर्मिनल जो है RDU बोर्ड का ट्रांसमीटर और रिसीवर डेटा करने के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज 3.6 से 6 वोल्ट तक यहाँ पर इनपुट आप सप्लाई दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो कनेक्शन किया, कनेक्शन के बारे में देखेंगे तो यहाँ RXD TXD का मतलब है ट्रांसमीटर रिसीवर, जो डेटा यहाँ से मैंने बताया था कि जैसे RDU बोर्ड में से सप्लाई दिया सप्लाई ट्रांसमीटर रिसीवर डेटा यहाँ पे आएगा। इसके साथ ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल में ये एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। इसको जैसे ऑन करने के बाद यहाँ अपना जो भी डिवाइस है यहाँ पे बल्ब में या प्रैक्टिकल में लगा, इसके साथ होम अप्लायंस में कोई भी आप 230 वोल्ट AC पे जो भी उपकरण चल सकते हैं इसके यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक बल्ब का यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ पर अभी ऑन हुआ हो गया बल्ब हमारा, हम देख सकते हो इसको ऑफ भी आप ऑफ ऑन ऑफ। तो इसी तरह आप घर पे भी ऐसा ही RDU बोर्ड यूज़ करके आप घर पे लगे हो किसी भी 230 वोल्ट AC पे जो भी उपकरण चल रहे हैं सभी को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।